हेलो एवरीवन, मैं श्वेता दासरी, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आप सभी का नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल की तरफ से स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर पे सुरक्षित होंगे और हमारी ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली से रोज़ पढ़ते भी होंगे। तो बच्चों, आज हमारी तीसरी तासिका है। अब तक की तासिकाओं में हमने पाठ पढ़ा है राख की रस्सी। यह पाठ हमने पूरी तरह से आत्मसात किया है, पढ़ लिया है। तो अभी हम आज व्याकरण भाग देखेंगे। तो आप सबको दिख रहा होगा, तो आज हम व्याकरण का भाग देखेंगे। इसमें हम भाषा, लिपि और व्याकरण सीखेंगे। इसमें हम देखने वाले हैं भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिख रहे होंगे। इस स्लाइड में आपको चार प्रकार के चित्र दिख रहे हैं। उसमें से एक चित्र में कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, दूसरे चित्र में एक बच्चा कान को हाथ लगा के कुछ सुन रहा है, उसके नीचे एक बच्चा लिख रहा है और उसके बाजू में दो बच्चे मिलकर किताब पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? तो यहाँ पे देखो, पहले बोलना, उसके बाद सुनना, फिर लिखना और पढ़ना, ये चार भाषा के मुख्य कौशल हैं। तो अभी हम देखेंगे भाषा। भाषा किसे कहते हैं या भाषा का अर्थ क्या है? तो पहले हम देखेंगे भाषा किसे कहते हैं, भाषा यानी कि क्या। देखिए, पहले के जो हमारे पूर्वज थे, वह तब उन्हें भाषा ज्ञात नहीं थी, तो वह अपने विचारों को एक दूसरे को समझाने के लिए इशारों का या संकेतों का उपयोग करते थे। फिर उनमें बदलाव होता गया और उसी तरह भाषा विकसित होती गई। तो भाषा का विकास क्यों हुआ? तो हमें अपने विचार दूसरों को समझाने के लिए या दूसरों के विचार हमें समझने के लिए भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए भाषा का धीरे धीरे विकास होता गया और उसे एक लिखित स्वरूप प्राप्त हुआ। तो अभी हम भाषा की व्याख्या देखेंगे, तो ध्यान से सुनिए। अपने विचारों को भावों को प्रकट करने के लिए या दूसरों को अपने विचार समझाने के लिए या दूसरों के विचार हमें समझने के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाता है, उसे भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो देखिए बच्चों, भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का जन्म हुआ या भाषा का विकास हुआ। भाषा यह वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं या समझते हैं या हमें जो कहना है वो बतलाते हैं। इसलिए भाषा ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। तो भाषा सीखते वक्त हमें उसके कितने रूप है यह देखना भी ज़रूरी है और उन सब की जानकारी भी लेनी है। तो अभी हम देखेंगे भाषा के रूप। तो भाषा के कितने रूप है बच्चों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। भाषा के मूल तीन रूप है। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। अब हम इसमें से पहला रूप देखेंगे, मौखिक भाषा। जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं
या समझते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। यानी कि जब हम अपने विचार या अपने मन के भावों को एक दूसरे को बोलकर या दूसरों के विचार सुनकर समझते हैं या अपने विचार बोलकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। मौखिक भाषा यह भाषा का मूल रूप है। यानी शुरुआत में भाषा का विकास जब हुआ तब वह मौखिक तौर पे हुआ, यानी कि भाषा तब सिर्फ बोली जाती थी, इसलिए मौखिक भाषा को भाषा का मूल रूप कहा जाता है। यहाँ पे देखिए आपको चित्र दिख रहे हैं। यहाँ पे एक बच्चा फोन पे बात कर रहा है और दूसरा नीचे एक इंसान है जो रेडियो सुन रहा है। ये मौखिक भाषा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हम रोज़ मोबाइल का यूज़ करते हैं बात करने के लिए, तो उस पर हम बात करके अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। और टीवी, रेडियो से या एफएम से हम सुनते हैं, यानी कि हम दूसरों के विचार सुनते हैं। इन चित्रों से आपको तुरंत समझ में आ गया होगा मौखिक भाषा किसे कहते हैं या फिर मौखिक भाषा क्या है। समझ में आया बच्चों मौखिक भाषा? चलिए आगे बढ़ते हैं। मौखिक भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा यानी कि क्या? जब हम लिखकर या पढ़कर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और समझते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। यानी कि देखिए, जिस भाषा के जिस रूप के जरिए हम अपने विचार लिखकर व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा कहा जाता है। जिस प्रकार मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप है, उसी प्रकार लिखित भाषा जो है वो भाषा का स्थायी रूप है। यहाँ पे मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको चित्र में क्या दिख रहा है? ऊपर है वर्तमान पत्र, समाचार पत्र, और नीचे है मैगजीन्स यानी पत्रिकाएं। तो ये जो है ये लिखित भाषा का बहुत ही अच्छा और रोजाना के हमारे जीवन में आने वाला उदाहरण है। यानी कि देखिए, यदि हम पत्र लिखते हैं तो पत्र भी एक लिखित भाषा का उदाहरण है। तो आपको समझ में आया लिखित भाषा क्या है और लिखित भाषा के उदाहरण? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूप है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज, यानी कि यह भाषा का तीसरा रूप है जो इसमें व्यक्ति अपने विचार जो है इशारों से व्यक्त करता है। देखिए, जब हम संकेतों के द्वारा विचारों को प्रकट करते हैं और उन्हें देखकर समझते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। ज़्यादातर हम लोग मौखिक और लिखित भाषा का ही उपयोग करते हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा भी भाषा का महत्वपूर्ण तीसरा रूप है, क्योंकि यह जो सांकेतिक भाषा है वह जो व्यंग व्यक्ति होते हैं जिन्हें सुनना या बोलना नहीं आता, वह इस भाषा का उपयोग करके अपने विचार व्यक्त करते हैं और उन संकेतों को देखकर हम समझते हैं कि उन्हें क्या कहना है। यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा होगा, ऊपर दो लड़कियाँ बात कर रही है इशारों में। क्यों? क्योंकि उन्हें बोलना नहीं आता, इसलिए वो अपने विचार सांकेतिक भाषा के जरिए एक दूसरे को समझा रही है। उसके नीचे देखिए, वहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ट्रैफिक पुलिस। यातायाती के जो नियम होते हैं उन्हें समझाने के लिए भी ट्रैफिक पुलिस इशारों का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, समझ में आया भाषा क्या है और भाषा के तीन रूप कौन कौन से हैं? पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। इन तीन
इन तीन माध्यमों के जरिए हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं या व्यक्त करते हैं। तो देखिए बच्चों, भाषा से संबंधित कुछ जानकारी हम लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो भारत देश है वह बहुत ही सुंदर और विविधतापूर्ण देश है। यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं और बोलियाँ बोली जाती है। तो हमारे जो भारत का संविधान है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भारत की 22 भारतीय भाषाएं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी है। पहली है असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोकनी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और अंत में उर्दू। तो यह जो 22 भाषाएं है इन्हें हमारे संविधान में भारतीय भाषाओं के तौर पर मान्यता दी गई है और यह 22 भाषाएं हमारे पूरे भारत में बोली जाती है। तो अब हम हमारी हिंदी भाषा की ओर बढ़ते हैं। हमारी जो हिंदी भाषा है उसे हम राष्ट्रभाषा भी कहते हैं और हमारी जो हिंदी भाषा है वह पूरे भारत में तीसरे स्थान पर ज़्यादातर बोली जाती है। यह भारत की तीसरी ऐसी भाषा है जो अधिकतर देशों में बोली जाती है। तो हमारी हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा के तौर पर मान्यता मिली है। इसीलिए हम 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे बोली। तो बोली किसे कहते हैं? देखो, बोली यानी कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, यानी कि जो विशिष्ट या जो थोड़ा सा सीमित क्षेत्र होता है वहाँ पे लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं बोलचाल के लिए उसे बोली भाषा कहते हैं। अभी कौन कौन सी बोली भाषाएं बोली जाती है देखिए। राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और मैथिली, यह जो है यह बोली भाषाएं के बोली भाषाओं के तौर पर इन्हें देखा जाता है और इन भाषाओं में साहित्य या काव्य की रचना नहीं की जाती है। यह सिर्फ बोलचाल के लिए उसी सीमित क्षेत्र तक मर्यादित होती है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, उसी तरह महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो यह बोली भाषाएं होती है। तो समझ में आया बच्चों बोली किसे कहते हैं? इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे लिपि। लिपि यानी के क्या? लिपि यानी के भाषा को लिखित रूप देने के लिए, यानी कि भाषा जब लिखी जाती है तब कुछ चिन्हों का या ध्वनियों का उपयोग करके उसे लिखित रूप दिया जाता है। तब उस समय उस भाषा को लिखने के लिए एक विशिष्ट लिपि का उपयोग किया जाता है, तो उसे लिपि कहते हैं। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन ध्वनियों को निश्चित किया जाता है वे लिपि के तौर पे कहलाते हैं। जैसे हिंदी भाषा लिखने के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए हिंदी, संस्कृत, मराठी, इन भाषाओं को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा देखिए अंग्रेजी। जब हम अंग्रेजी अल्फाबेट्स लिखते हैं, जब अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है तब
रोमन लिपि का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नीचे देखिए, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है और उर्दू फारसी। चलिए मैं फिर से एक बार पढ़ती हूँ। हिंदी, संस्कृत, मराठी, देवनागरी लिपि, अंग्रेजी, रोमन लिपि, पंजाबी गुरुमुखी और उर्दू फारसी। यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी में ए बी सी ये जो अल्फ़ाबेट्स है वह उनकी लिपि है। हिंदी, हिंदी में क ख ग इस प्रकार ज्ञ तक के जो वर्ण है उन्हें उनकी लिपि कहा जाता है। तो बच्चों, भाषा को लिखित स्वरूप देने के लिए इन लिपियों का प्रयोग किया जाता है। हर भाषा की जो भाषा उस भाषा में उसकी अलग लिपि होती है, हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है। तो इस प्रकार भाषा सीखते समय हमें इन सारी बातों का ध्यान देना पड़ता है। और यदि हमें भाषा कोई भी भाषा सीखते समय बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, इन चार भाषा के ये जो भाषा के चार सीढ़ियाँ है या भाषा के चार अंग है, कौशल है, इन्हें पूरी तरह से आत्मसात करना पड़ता है। जब हम इन चार अंगों में निपुण होंगे तभी हम उस भाषा में निपुण कहलाएंगे। तो इस प्रकार अब तक हमने देखा, भाषा देखी, भाषा के रूप देखे, उनकी व्याख्याएं देखी, उसके बाद बोली देखी, बोली किसे कहा जाता है ये देखा हमने, और कौन से भाग में कौन सी बोली देखी बोली जाती है ये देखा, उसके बाद लिपि किसे कहते हैं ये देखा, उसके बाद हमने देखा कौन कौन से भाषा के लिए कौन कौन सी लिपि उपयोग में लाई जाती है। अभी हम बढ़ते हैं व्याकरण की ओर, यानी कि ग्रामर। तो व्याकरण क्या है बच्चों? व्याकरण यह वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध तरीके से बोलना या लिखना सीखते हैं। भाषा सीखते वक्त या फिर जब हम भाषा को लिखित रूप देते हैं तब हमें व्याकरण के शास्त्र की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। तो हम देखेंगे अभी व्याकरण किसे कहते हैं या व्याकरण क्या है। तो व्याकरण हमें शुद्ध अशुद्ध के प्रयोग के बारे में बताता है, यानी जब हम भाषा को लिखित स्वरूप देते हैं तब वह शुद्ध रूप में लिखी जाए, इसलिए व्याकरण का उपयोग किया जाता है। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को शुद्ध रूप में बोलना लिखना या पढ़ना सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। यानी कि व्याकरण क्या है? एक शास्त्र है। जिसके जरिए हम शुद्ध रूप में लिखना या पढ़ना सीखते हैं। अभी देखिए बच्चों, मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगी यहाँ पे। पहला उदाहरण है और दूसरा उदाहरण है देखिए पहला उदाहरण है
गीता गाना गा रहा है। अभी यह वाक्य आपको सुनने में कैसा लग रहा है? मुझे तो सही नहीं लग रहा। सही लग रहा है? नहीं, बराबर। तो गीता गाना गा रहा है, इसमें क्या है? इसमें व्याकरण की कुछ अशुद्धियां है, इसलिए यह वाक्य सुनते समय हमें सही नहीं लगता। तब हम इसे अब शुद्ध रूप में लिखेंगे। यहाँ पे लिंग को लेके लिंग, यहाँ पे गीता गाना गा रहा है, तो गीता क्या है? लड़की है, तो उसके हिसाब से वह गीता गाना गा रही है, ऐसा आना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ सही वाक्य लिखती हूँ। गीता गाना गा रही है, अभी यह वाक्य सही है ना? हाँ, ये वाक्य अभी सही है। यहाँ पे व्याकरण की अशुद्धि थी, इसलिए यह वाक्य सही नहीं लग रहा था। अभी हमने यहाँ पे जो व्याकरण की अशुद्धि थी उसे शुद्ध करके लिखा है, तब अब यह वाक्य सही है। अभी चलिए नीचे देखते हैं। कल जाना है कोलकाता मुझे। यहाँ पे देखिए, इस वाक्य में कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इस वाक्य का जो क्रम है वह ठीक से नहीं लगाया गया है। अभी हमें ये बात क्यों समझी कि यह वाक्य ठीक क्रम से नहीं लगाया है? नहीं है, क्योंकि हमने व्याकरण पढ़ा है, हमने व्याकरण सीखा है, इसलिए हमें यह वाक्य सुनते ही समझ में आता है कि यह जो वाक्य है वह गलत तरीके से लिखा गया है। तो अभी हम इस वाक्य को सही तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले का क्या आएगा इसमें? कर्ता कौन है? वह आएगा सबसे पहले मुझे। कल कोलकाता जाना है। अभी यह वाक्य पढ़ने में कैसा लगता है? देखिए, मुझे कल कोलकाता जाना है, अभी सही लग रहा है ना? हाँ, अभी सही लग रहा है, क्योंकि जो इसमें व्याकरण की अशुद्धि थी उसे हमने दूर किया है और हमने यहाँ पे सही क्रम में वाक्य फिर से लिखा है। तो बच्चों, समझ में आया कि व्याकरण का ज्ञान होना किस प्रकार जरूरी है? सिर्फ लिखना पढ़ना आने से हम भाषा सीखते हैं, ऐसा नहीं होता। भाषा सीखने के लिए हमें भाषा की पूरी जानकारी के साथ साथ व्याकरण की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। अभी जिस प्रकार मैंने आपको यहाँ पे भाषा के अंग बताए या भाषा के रूप बताए या व्याकरण बताया, तो उसी प्रकार आपको भी भाषा पढ़ते वक्त हम कहाँ पे, यानी कि कोई भी वाक्य आप पढ़ रहे हैं, तो तब आपको ये ध्यान देना है कि आप उसका उच्चार सही प्रकार से कर रहे हैं या नहीं। यदि नहीं, तो आपको वह शब्द के ऊपर ध्यान देके वहाँ के उसके स्वर व्यंजन वहाँ कौन से है उन्हें ठीक से पढ़ के उनका उनको ठीक से एक के दूसरे के साथ जोड़ के फिर उसका उच्चार करना है। तो चलिए हम और एक दो और उदाहरण देखेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे पढ़िए बच्चों। समीर खाना खाती है। हाँ, अभी यहाँ पे क्या गलत है इसमें व्याकरण? समीर क्या है? लड़का है, तो उसको ध्यान में रखते हुए समीर क्या करेगा? खाना खाएगा या फिर खाना खाता है, तो यहाँ पे क्या गलत है?
यह वर्ड यह शब्द जो है वह या इस वाक्य में गलत आया है, जिससे इसका पूरा अर्थ बदल जाता है। अभी हम इसे सही लिखेंगे। समीर खाना खाता है। अब यह वाक्य सुनने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी यह सही रूप में लिखा गया है। जो भी यहाँ पे व्याकरण की अशुद्धि थी उसे हमने दूर कर दिया है। तो बच्चों, मैं आपको कुछ पूछना चाहूँगी कि अब तक हमने देखा भाषा, भाषा के रूप कौन कौन से भाषा के रूप है? भाषा के रूप तीन है। कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। इन तीनों रूपों की जानकारी हमने ली है। अभी उसके बाद हम देखेंगे, उस भाषा के रूप देखने के बाद हमने देखा बोली, उसके बाद देखा हमने लिपि, और उसके बाद हमने देखा अंत में व्याकरण, यानी कि व्याकरण शास्त्र किस प्रकार जरूरी है या व्याकरण की वजह से वाक्य में क्या फर्क पड़ता है या क्या वाक्य किस प्रकार शुद्ध या अशुद्ध कहलाता है, यह हमने अभी यहाँ पे सीखा है। तो अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी घर पे क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, यानी कि सराव करना है घर पे। आपको अशुद्ध वाक्य लीजिए, उसे शुद्ध करके अपनी नोटबुक में लिखिए। अभी मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी। भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? ये जो मैंने आपको प्रश्न अभी पूछे हैं, आपको इसके उत्तर घर पे लिखने हैं और याद रखने हैं। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करते हैं, अपनी विचार दूसरों को समझाते हैं या दूसरों के विचार हम समझते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो अभी मेरा दूसरा प्रश्न है, भाषा के रूप कितने हैं? भाषा के रूप कितने हैं? भाषा के रूप तीन हैं। कौन कौन से हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। यह भाषा के तीन मूल रूप है जिनके द्वारा हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। मैं आपको प्रश्न भी बोल रही हूँ और उत्तर भी बोल रही हूँ, क्योंकि आपको घर पे यह लिखना है। अभी देखिए मेरा आगे का प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? चाहिए तो आप प्रश्न लिख के रखिए, लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा को लिखित स्वरूप देने के लिए जिन चिन्हों का या ध्वनियों का जिन चिन्हों को या ध्वनियों को निश्चित किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि, अंग्रेजी रोमन लिपि। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने अपना व्याकरण का जो पहला पाठ था या जो व्याकरण की मूल जानकारी थी, वह आज हमने सीखी है, पढ़ी है। तो अभी आपको क्या करना है? आज मैंने जो जो सिखाया है आपको या जो जो बताया है, वह घर पे फिर से एक बार पढ़ना है और याद करके लिख कर रखना है। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी नोट डाउन करना है और बाद में मुझे पूछना है। तो बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।